चार मामलों में आरोपी शाइस्ता परवीन को पकड़ना इस वक्त यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर हटवा गांव में पुलिस ने शाइस्ता को घेर लिया था, लेकिन बुर्का नशी महिलाओं ने पुलिस के इर्द गिर्द ऐसा घेरा डाला कि पल भर में शाइस्ता फायदा उठाकर फरार हो गई। और 7 शहरों में, यहाँ एक दो शहर नहीं, 7 ऐसे शहर जहां पर छापेमारी हुई, लगातार ये छापेमारी चल रही है, दिल्ली से यूपी तक तलाशी हो रही है, लेकिन शाइस्ता इतनी शातिर है कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। कहा है अतीक की शातिर बेगम शाइस्ता, 66 दिन से खाक छान रही पुलिस, दिल्ली से लखनऊ तक तलाशी, शिकंजे में आते आते रह गई शाइस्ता। यूपी की तेज तर्रार पुलिस और एसटीएफ के लिए एक अदद महिला चुनौती बन गई है। चार मुकदमों का सामना कर रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का अब तक यूपी पुलिस कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई। कभी उसके किसी गांव में छिपे होने की खबर मिलती है तो कभी दिल्ली से हरदोई जा रही बस में उसकी तलाश की जाती है, लेकिन ना शाइस्ता मिलती है ना ही उसके बारे में कोई सटीक खबर। ये प्रयागराज के बाहरी इलाके का एक गांव हटवा है, जहां 4 दिन पहले पुलिस शाइस्ता के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जब तक पुलिस के हाथ उस तक पहुंचते तब तक वो फरार हो चुकी थी। हटवा अतीक के भाई अशरफ की ससुराल है। अशरफ की बीवी जैनब चप्पे चप्पे से वाकिफ है और इसीलिए शायद शाइस्ता ने यहाँ ठिकाना बनाया हो। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर शाइस्ता अहमद कहाँ छुपी है। इसकी पड़ताल करने आज तक आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, प्रयागराज कौशाम्बी के बॉर्डर पर, यानी कि हटवा गांव, जिसको लेकर लगातार चर्चा है कि शाइस्ता यहाँ छुपी हो सकती है। इसका महत्व ये है, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अशरफ का ये ससुराल है और यहाँ चांसेस हैं कि शाइस्ता आयशा नूरी अतीक की बहन और जैनब फातिमा के साथ छुपी हो सकती है। यहीं पर पुलिस ने 2 दिन पहले धरपकड़ की थी, काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं बुरखे में हैं, जिस तरह से आपको नजर आ रही हैं वैसी ही कुछ महिलाएं उस दिन भी आई थी और कहीं ना कहीं पुलिस जब अंदर गई थी तो उनको रोकने का प्रयास किया। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक हटवा में शाइस्ता को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। यहां शाइस्ता के होने की पुख्ता खबर थी, अशरफ की ससुराल के पास शाइस्ता देखी गई थी, पुलिस की टीम ने रेड मार दी। इस पर बुरका पहने मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस आगे बढ़ती तब तक शाइस्ता फरार हो गई। जब लोगों को खबर लगी कि रेड होने वाली है तो मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई, महिलाओं से कहा गया कि घर से निकलें। महिलाओं की भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने हटवा में महिलाओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी महिलाएं कन्नी काटते हुए निकल गईं। पुलिस को यह अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है कि क्या शाइस्ता यहां छुपी है। मैं कोशिश भी करूंगा लोगों से बात करने की, आप मेरे साथ चलिए, जरा आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। ये हटवा गांव की हैं और बताया जा रहा है कि क्या शाइस्ता पर, मैडम क्या ऐसी खबर यहाँ पे आजकल आ रही है कि शाइस्ता परवीन यहाँ पर है, ऐसा है कुछ? आयशा नूरी, अच्छा अशरफ का तो ये ससुराल है ना, आप लोगों को जानकारी नहीं है? तो फिलहाल जो आप देख सकते हैं हम इस गांव के पास हैं और यहाँ पर ये महिलाएं बोलने से बच रही हैं। सूत्रों की माने तो गद्दी मुस्लिम समाज के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। हटवा में गद्दी मुस्लिम समाज के लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है और वो 66 दिन से फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एसटीएफ और पुलिस की टीम उसकी तलाश में मेरठ, लखनऊ, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, दिल्ली, प्रयागराज समेत कई शहरों में छापे मार चुकी है। कल शाइस्ता के दिल्ली में होने की खबर थी। दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि एक बस में शाइस्ता सवार है। फोन करने वाले ने कहा कि दिल्ली के बवाना से यूपी के हरदोई की तरफ जाने वाली बस में शाइस्ता है। कॉल करने वाले शख्स ने उस प्राइवेट बस का नंबर भी दिया। पुलिस ने घंटों बस का पीछा किया, बस को रोका गया, लेकिन शाइस्ता बस में मौजूद नहीं थी।
सवाल यह है कि शाइस्ता आखिर है कहां? किसी को इसकी खबर नहीं। कई लोगों पर शक है कि वो शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। इसमें लेडी डॉन मुंडी पासी भी है। हालांकि मुंडी इससे इनकार कर चुकी है। अतीक के बचे गुर्गे मदद कर सकते हैं। एक बमबाज आसिफ उर्फ मल्ली पर भी शक है। अतीक के गनर रहे एहतशाम पर भी शक है। पुलिस को यह लगता है कि गद्दी मुसलमान उसकी मदद कर रहे हैं। पुलिस कई थ्योरी पर काम कर रही है, लेकिन कामयाबी अभी। लखनऊ से संतोष शर्मा, समर श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।